दोस्तों आईपीएल साल 2020 का सीजन अब शुरू हो चुका है जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होने वाला है और यहां पर आपको रोजाना काफी शानदार काफी रोमांचक मैचेस होते हुए देखने को मिल रहे होंगे, जहां दोस्तों सभी फैंस लगातार अपनी फेवरेट टीम को कर रहे हैं सपोर्ट। आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी है आपकी फेवरेट टीम, किस टीम को आप कर रहे हैं सपोर्ट। साथ ही में दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार टीम है, जहां इनके पास कल मौका था टेबल में टॉप करने का दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध एक बहुत ही रोमांचक मैच में केकेआर की हार हो गई। हार के पीछे काफी सारे रीजन है और पूरा मैच एनालाइज करने के बाद आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केकेआर की हार के बड़े रीजन ही नहीं, साथ ही में दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगले मैच के लिए कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या बड़े चेंजेस केकेआर की टीम में किए हैं और ये मैचेस के अंदर जो चेंजेस है वो आपको अगले मैच में ही होते हुए दिखेंगे और ये चेंजेस पूरी तरह से श्योर है। तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का टाइटल तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐप फैंटेसी पावर 11 के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर अभी चल रही है मेगा लीग और ये दूसरे ऐप्स की तरह नहीं है जहां आपको 40 से 50,000 यूजर्स में कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। यहां केवल आप 3,000 लोगों में कॉम्पीट करते हैं जिससे आपकी विनिंग की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज के मैच के लिए रखा है इन्होंने आईफोन 11 प्रो का गिव अवे, जहां कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी फीस काफी कम है। और दोस्तों यहां जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको जो बोनस मिलता है आप किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने में उसको 100% यूज कर सकते हो। UPI और पेटीएम का यहां पर आपको सपोर्ट है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए फैंटेसी पावर 11। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी 5वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, जहां उनके पास एक सुनहरा मौका था कल नंबर 1 पर शारजा के मैदान पर जीत दर्ज करें और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 बने, जहां दोस्तों 200 रन काफी आम बात है। वहीं अब केकेआर का अगला मुकाबला चेन्नई के विरुद्ध है 7 अक्टूबर को अबू धाबी के लिए, जहां दोस्तों काफी सारे चेंजेस कोच ब्रेंडन मैकुलम ने बताए हैं। इन चेंजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको हार के बड़े रीजन बताना चाहूंगा। पहला रीजन यहां निकल के आता है दोस्तों सुनील नारायण को लेकर। दोस्तों सुनील नारायण के साथ लगातार काफी सालों से केकेआर की टीम एक्सपेरिमेंट कर रही है उनको ओपन कराकर, जो कि इस साल नहीं चल रहा है, तो दोस्तों पता नहीं क्यों उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जा रहा है। और अगर उनको खिलाना ही है तो आप नीचे खिलाएं एज अ स्पिनर, ओपन कराएं किसी और बल्लेबाज से। और दोस्तों अगर उनको बाहर भी निकाले तो यहां केकेआर की टीम और ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। टॉम बेंटन को उनकी जगह खिलाएं, वो ओपन कर सकते हैं। और अगर स्पिनर को रिप्लेस करके स्पिनर लेना है तो क्रिस ग्रीन को खिलाएं, राहुल त्रिपाठी ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है सुनील नारायण हार के कारण का। दूसरा बड़ा रीजन है यहाँ पर दोस्तों दिनेश कार्तिक, जहाँ आप अगर दूसरी टीम के कप्तान देखेंगे जैसे विराट कोहली या फिर MS धोनी या रोहित शर्मा, अगर कोई और प्लेयर उनसे अच्छे फॉर्म में है तो वो उनसे पहले बल्लेबाजी करने नहीं जाएंगे। यहाँ दोस्तों दिनेश कार्तिक जो है वो काफ़ी सेल्फिश नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ मैचों से, जहाँ वो आयन मॉर्गन से खुद को अच्छा बैट्समैन समझते हैं और उनसे पहले ही बल्लेबाजी करने चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ आयन मॉर्गन काफ़ी समझदार और काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज है, जो अगर जल्दी भी बैटिंग आ जाए तो मैच बनाना जानते हैं। यहाँ दिनेश कार्तिक जल्दी आते हैं, रन नहीं बनाते और आउट हो जाते हैं और नीचे के क्रम के लिए दोस्तों और ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। तो ये दूसरा बड़ा कारण है जो दिनेश कार्तिक को लेकर आया है। तीसरा बड़ा कारण जो हार कर आया है वो है दोस्तों कप्तानी। अब यहाँ कप्तानी कैसे, दोस्तों यहाँ जो बैटिंग ऑर्डर है वो पूरी तरह से गलत है, जहाँ ओपनिंग के बाद तीसरे नंबर पर नीतीश राणा आते हैं, चौथे पर खुद दिनेश कार्तिक आते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और रसल को भी वो जल्दी भेज देते हैं क्योंकि अगर दोस्तों रसल आउट हो जाएँ तो नीचे जो मॉर्गन है डायरेक्ट उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। दोस्तों यहाँ जो करेक्ट बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए नीतीश राणा, फिर आयन मॉर्गन, उसके बाद आंद्रे रसल, फिर राहुल त्रिपाठी और फिर दिनेश कार्तिक। ये एक पूरी तरह से बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर होगा जो कि बहुत ही अच्छा यहां पर परफॉर्म करके देगा। कई मैचों में तो ऐसा होगा कि दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी भी नहीं आएगी क्योंकि ये ऊपर का ऑर्डर ही पूरी तरह से टारगेट बना देगा और 20 ओवर में अच्छा टारगेट दे भी देगा। दोस्तों ये तीन बड़े रीजन है केकेआर की हार के। अगर आपकी समझ में कोई और रीजन है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों कोच ब्रेंडन मैकुलम ने तीन बहुत बड़े चेंज केकेआर की टीम में किए हैं, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला बड़ा चेंज प्लेइंग 11 के अंदर आता है, जहां अब से राहुल त्रिपाठी आपको हर मैच में ओपन करते हुए दिखेंगे और सुनील नारायण को रिप्लेस करेंगे क्रिस ग्रीन। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ब्रेंडन मैकुलम की तरफ से है। दूसरा चेंज यहां पर बैटिंग ऑर्डर के अंदर है, जहां दोस्तों आयन मॉर्गन और नीतीश राणा के अंदर हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा कभी कभी, पर यहां नीतीश राणा के बाद आयन मॉर्गन आएंगे और फिर आएंगे आंद्रे रसल और नीचे आएंगे दिनेश कार्तिक।
तीसरा चेंज यहाँ कप्तानी को लेकर आता है, जहाँ दोस्तों एस श्रीशांत ने भी ऐसा बताया है कि केकेआर की हार का कारण यही है कि उनका कप्तान अच्छा नहीं है, मॉर्गन को लीड करनी चाहिए। तो दोस्तों अब केवल एक दो मैचों का और मौका मिलेगा यहाँ पर दिनेश कार्तिक को, इसके बाद नए कप्तान होंगे आयन मॉर्गन और नए उप कप्तान होंगे शुभमन गिल। तो फ्रेंड्स आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा क्या चेंजेस केकेआर की टीम में होने चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।